नमस्कार। आज से 100 साल से भी पहले सन 1920 में ग्रामोफोन कंपनी के एक स्टूडियो में एक किशोर वय बालक कुछ गीत और गज़लों की रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी और नज़ाकत भरी हुई थी। उसने जो गीत गज़ल रिकॉर्ड किए वे उस उम्र के गायक की समझ पर निश्चित रूप से भारी पड़े होंगे, परंतु वे रिकॉर्डिंग आज हमारे इतिहास लेखन के बहुत काम आती है। थोड़े बोल सुनाता हूँ उस रिकॉर्डिंग के तो आपको बात बेहतर समझ में आएगी। एक गज़ल में कहा गया था, तेरी मादरे हिंद ए परतंत्र मुस्लिम, तेरी मादरे हिंद ए परतंत्र मुस्लिम, जो बोली थी अल्लाह अकबर यही है, नहीं कहते क्यों वंदे मातरम तू, यह मुर्दे जलाने का मंत्र यही है, दिलाओ न डर हिंद वालों से कह दो, गया जिससे डर कर सिकंदर यही है। गायक का नाम था नबी बख्श। दोस्तों, बात सिर्फ नबी बख्श की गज़लों या गीतों की नहीं है। आप चाहे महात्मा गांधी के भाषणों को सुने या समकालीन अन्य गायकों नेताओं को सुने, उनकी अधिकांश ऊर्जा हिंदू मुसलमान को साथ लाने, साथ रखने और समझाने बुझाने में ही लगी। हमने जितनी लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ी, उससे अधिक लड़ाई एक दूसरे हिंदुस्तानी के खिलाफ लड़ी आज़ादी के आंदोलन में। जितने लोग बेरोज़गारी, भुखमरी, गरीबी या अंग्रेज़ों के अत्याचार से नहीं मरे, उससे कहीं अधिक हमने मार डाले धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अल्लाह और ईश्वर के नाम पर। आज़ादीनामा के आज के 60वें पड़ाव पर ग्रामोफोन के माध्यम से पड़ताल होगी इसी हिंदू मुस्लिम फसाद की। मस्जिद ने पुकारा, मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा। आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना। बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो। दोस्तों, कौमी एकता पर आधारित नबी बख्श की गाई गज़लों को हम सुनेंगे आज की कड़ी में, पर आज़ादी नामा की आज की कड़ी में आपको सबसे पहले मोहम्मद हुसैन का गाया एक रिकॉर्ड सुनवाना चाहता हूँ। उस रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग हुई थी सन 1908 में, आज से 114 साल पहले। उस रिकॉर्ड के बोल थे, जोगी रूप बनायो रावण। बहुत ही लोकप्रिय हुआ था यह रिकॉर्ड और इसके कई संस्करण निकले जिनकी हजारों कॉपीज बिकी। आप लोगों में से जिन्होंने रामलीला देखी है उनकी वे यादें इस रिकॉर्ड से ताज़ा हो जाएंगी। हमारे आर्काइव में राम कथा से संबद्ध सैकड़ों रिकॉर्ड हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रदेशों में, सन 1902 से लेकर 1960 के दशक तक के। उन रिकॉर्ड्स के कलाकारों के बारे में कहूं तो उनमें बड़ी संख्या में गाने वाले मुस्लिम गायक थे। यदि रिकॉर्ड पर नाम न लिखा हो या मैं आपको गायक गायिका का नाम न बताऊं तो आपको उनके धर्म का पता लगाना मुश्किल होगा, जिसकी जरूरत भी नहीं है। आप उनकी रामकथा प्रस्तुति सुनकर बहुत संतुष्ट होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं।
यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि मुस्लिम कलाकारों ने राम कथा या हिंदू भजन किसी कौमी एकता की अपील के लिए नहीं गाए, वे गाते रहते थे इसलिए उन्होंने गाया। उसमें न कुछ खास था और न उसमें कुछ असहज था। इसी तरह हिंदू भी मुस्लिम नाते लिखते थे और गाते थे जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर रिलीज होते थे। यह सब बहुत सहज था। दूसरे धर्म के प्रति सम्मान करना कोई असहज बात या कोई असाधारण बात न होती है न थी। आइए आप मोहम्मद हुसैन की आवाज में रामकथा का वह प्रसंग सुनिए जिसमें वह जोगी का रूप धारण कर सीता का हरण करने आता है। रिकॉर्ड का आखिरी हिस्सा गौर से सुनिएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सी रामलीलाओं में आज भी बहुत से किरदार मुसलमान कलाकार ही निभाते हैं। आइए अब राम कथा से भारत कथा पर आ जाते हैं। भारत की आजादी के आंदोलन को समझने के लिए भारत की गुलामी की वजहों को याद में बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे अहम वजह रही है आपस की फूट, और उस फूट की वजह रही है गलत तरह की शिक्षा या अशिक्षा। शिक्षा सिर्फ स्कूल, विद्यालय या मदरसे में नहीं दी जाती है दोस्तों। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र घर और समाज ही होता है। बाहर की शिक्षा में आप बस वही हासिल करते हैं जिसका एंटीना लेकर आपको घर से लेकर स्कूल कॉलेज में भेजा जाता है। आइए आपको एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाते हैं जो अपना एंटीना घर छोड़कर आ गया है। कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है। वह कह रहा है कि काबे वाले काशी आएंगे। यह भी कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर गौएं चराएंगे। और भी बहुत कुछ कह रहा है। उसे पकड़कर आप सबके सामने उसकी पेशी करता, पर बात पहुंच से पुरानी हो गई है।
100 साल से भी पुरानी। हाँ, ग्रामोफोन पर सबूत छोड़कर गया है वो पेश कर देता हूं। नाम है नबी बख्श। दोस्तों, आपको नबी बख्श की एक ऐसी ही और हरकत सुनवाऊंगा, पर उससे पहले आपको एक और पागल दास से मिलवाता हूं। उसका असल नाम था नूरुल आरफीन प्रेमी। नाम से लगता है मुसलमान ही रहा होगा। उसकी करतूत तो आपको और भी हैरान कर देगी। उसको अपने सूफी दायरे में रहना चाहिए था, पर वह गलत कैंपस में दाखिल हो गया। एक और गलती की कि वह भी अपना एंटीना कहीं रास्ते में ही छोड़ आया था। एक तो आपको उसके नाम से इतनी गफलत होती है, ऊपर से वह अल्लाह और मौला से इश्क इबादत के बजाय प्रेम करने लगता है। मैं निराधार बात नहीं कह रहा है, उसके सबूत भी ग्रामोफोन पर मिलते हैं। हाँ, इस बार लेबल अलग है, लेबल का नाम है शहंशाही रिकॉर्ड। दोस्तों, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो इस गीत के बोल से लेकर भाव और प्रस्तुति में भक्ति के तत्व ही प्रबल हैं।
उन्हीं छवियों मुद्राओं की बात है, उन्हीं बिंबों और प्रतीकों का उपयोग है जो हमें भक्त कवियों के पदों में मिलता है, उनकी प्रस्तुतियों में मिलता है। तभी तो गीत का शीर्षक भी रखा गया है अहमद प्रीतम। इस गीत का आखिरी हिस्सा भी सुन लीजिए। दोस्तों, यह सब पराधीन भारत में हो रहा था आज से 90 साल पहले। यह कौमी एकता का गीत नहीं था और न ही इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी। यह तो विशुद्ध मुस्लिम इबादत का गीत है। हाँ, इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि उसका रंग निहायत ही भारतीय है, स्थानीय है। आपको इन्हीं प्रेमी साहब की एक और प्रस्तुति सुनवाता हूँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मीरा भजन सुन रहे हों। मौला की जगह गिरिधर कर दीजिए तो कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। इन सारी बातों का लबोलुभाव ये कि एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति से सीखने की कला किसी कानून के द्वारा थोपी नहीं जा रही थी। समय अपना काम अपने हिसाब से कर रहा था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीख रहे थे। उस सीख में इतनी ऊर्जा थी कि लंबे समय तक उसने विभाजनकारी ताकतों का डटकर सामना किया। आइए शहंशाही रिकॉर्ड लेबल पर ही नूरुल आरफीन प्रेमी की एक और भक्ति परक रचना सुनते हैं, जिसके बोल थे सुख की नयनन नींद ना आवे। दोस्तों, मेल मिलाप के इस नए मौसम में कोई अपनी पहचान खो नहीं रहा था। हो बस ये रहा था कि बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी थीं। लोग अपने एंटेना हमेशा अपने सर पर लिए घूम नहीं रहे थे। आज़ादी के आंदोलन में इस तरह के उदार लोगों ने नफ़रतों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। हम इस तरह के सबूतों की बात कम करते हैं इतिहास की किताबों में। शुक्र है कुछ सबूत 100 साल बाद भी ग्रामोफोन पर सुरक्षित बच गए। आइए आपको नबी बख्श की आवाज़ में ही एक और गज़ल सुनाते हैं,
जिसमें अपना सब कुछ लुटाकर भी तेग और तोप से मुकाबला करने का हौसला है, और मदद का हौसला किसी और से नहीं बल्कि आसमां वाले से है। दोस्तों, अब आज की कड़ी को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी के लिए कुछ और पागल दरवेशों की तलाश में हूँ, मिल जाएंगे। ग्रामफोन की दुनिया में हर लेवल पर वैसे लोगों का निशान आज तक बाकी है, कुछ तो मिल ही जाएंगे। लाकर पेश करूँगा अगले सोमवार, इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। Let me go say, I'm in a hole, let me go say, I'm in a hole, let me go say, I'm in a hole.